भगवान परशुराम के भगवान ब्राह्मण एकता भगवान परशुराम के भगवान परशुराम के। दिल्ली का जैन रूप आया है जिसमें दीवारों पर लिखा गया है कि ब्राह्मण बढ़िया भारत छोड़ो। मैं सरकार से अपील करता हूँ, मैं अपने होनहार और सबसे दमग गृह मंत्री अमित शाह जी से भी अपील करता हूँ कि जो ये लोग इस देश के तोड़ने की बात करते हैं, हमारे सभी धर्मों को, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को बिगाड़ने की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी बिरादरी से हो, उनको सख्त से सख्त सदा सजा है कि राज्यसभा सांसद जी कल 3 बजे आ रहे हैं। अगर हमारे पास कोई मैसेज आएगा सभा के सदस्यों के पास, तो हम उनका वेलकम करने के लिए जरूर जाएंगे, लेकिन इन्हीं शर्तों के साथ जाएंगे। जो हमारे को निमंत्रण देने आएगा, अगर वो हमारी ये मांगे पूरी करवाएगा, तो ब्राह्मण समाज वहाँ ढोल नगाड़े के साथ जाएगा और सम्मेलन का हिस्सा बनेगा। बिचौलिया जी, उनका एक डेलीगेशन बनाया था और हर जिले से लोग की एक लिस्ट मंगाई थी, सरकार ने बातचीत भी की थी, लेकिन सरकार भाई साहब हम गिरफ्तारी से नहीं डरते, क्योंकि युवाओं की आवाज उठाएंगे तो सरकार तो कोई सी हो चाहे भीतर ठोकने का काम करेगी। हमना डर सिर्फ इस बात का है, हमने नवीन जैन की जैन का खतरा है भाई साहब, कहीं सरकार वहाँ जेल के अंदर उसके ऊपर हमला ना करवा दे भाई साहब, तो सबसे बड़ा खतरा तो हमने यू है। दूसरा भाई साहब, कल 11 बजे सकाईलारक के सामने, सेक्रेटरेट के सामने हम यहाँ इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई काम नवीन जैन ने नहीं किया जो सरकार उससे डरी हुई है। सरकार इसी कारण से उससे डर रही है कि 36 बिरादरी के वो आवाज़ उठाता है, बुजुर्गों की आवाज़ वो उठाता है, वो जो खेल का कोटा कट जाए वो आवाज़ उठाता है, वो एससी का समाज का कोई घर गिरने वो आवाज़ उठाता है, सरकार उससे डरी हुई है, इसलिए परी प्लान के साथ सरकार उसको फंसाने का काम कर रही है भाई साहब। यहाँ भाई साहब हजारों की तादाद में नौजवान साथी, बुजुर्ग माताएं बहने आएंगे, वो अपने बेटे की खातर आएंगे, अपने भाई की खातर आएंगे, और 36 बिरादरी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और यहाँ प्रदर्शन आज तक हरियाणा में एक ऐसा प्रदर्शन नहीं होगा जैसा कल हम प्रदर्शन करेंगे, तो सरकार को जगाने का काम करेंगे, इस सरकार का पुतला भी फूकेंगे भाई साहब, सरकारें फूकेंगे कहना है, क्योंकि सारी सरकार तो मिली ओड़ा है, सारी सरकार तो पिछला गई उसके परिप्लान के साथ फंसाया भाई मारा भाई। अरे जब वो ईश्वर था वो छोड़ दिया और वो पकड़ के भीतर जेल में गिर दिया और सारे मुकदमे ला दिए उसके ऊपर भाई, क्या कर दिया उसे ईसा भाई ने, पानीपत का मुकदमा आप देखो, पीछे कावड़ लेके आए थे, वो कावड़ ये लेके आए थे कि भाई हरियाणा में नशा ज्यादा हो रहा है ताकि युवा संभले, और ये सरकार उस नशेड़ियों को, उनको जो तस्कर करते हैं उनको पकड़ने का काम करें, वो हरिद्वार से कावड़ लेके आए थे, गंगा जल लेके आए थे, जो ये सरकार ये कहती है, ये सरकार कहती है कि हम भोले के भगत हैं, ये सरकार कहती है हम बजरंग बली के भगत हैं, ये सरकार कहती है हम काली माँ के यानी कि सारे हिंदू देवताओं के भगत बनती है ये सरकार, लेकिन जब नवीन भाई कावड़ लेके आए यानी कि इनने वो केस भी नहीं बख्शा, वो भी केस इनके ऊपर लगाने का काम इन सरकार ने किया है, यानी कि कावड़ जब वो गंगा जल लेके आए थे वो भी केस उसके ऊपर ठोक दिया भाई साहब। मांग नहीं मानने की भाई साहब, पूरे हरियाणा की मीटिंग करूंगा, कुरुक्षेत्र धर्मशाला में जाकर पूरे हरियाणा से इकट्ठे करूंगा और 36 बिरादरी के बीच में जाऊंगे और पूरे जिलों में मेरे को आशंका पूरे के पूरे हरियाणा में सिर्फ आज 5 बजे का इंतजार था भाई साहब, जो इन सरकार ने उसके ऊपर केस ठोकने का काम किया, देखिए पूरे हरियाणा में क्या होगा अभी तमाशा।